प्रदेश के साथ साथ भीलवाड़ा में भी खाद की कमी अब न केवल किसानों की परेशानी बढ़ा रही है बल्कि खून भी बहाने लगी है। ऐसी ही एक घटना गुरुवार को ककरूलिया घाटी समिति में हुई, जहां आधा दर्जन लोगों ने पिता पुत्र पर तलवार से हमला कर दिया। पिता पुत्र को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधर सरेआम हमले की इस घटना में गाँव में दहशत फैल गई। ककरूलिया घाटी निवासी गोपाल लाल जाट ने कहा कि वह खाद लेने ककरूलिया घाटी समिति में गया था, जहाँ करीब 500 लोग लाइन में थे। पहला नंबर उसी का था, साथ में बेटा लखन भी था। इस दौरान रोशन व रामप्रसाद सहित आधा दर्जन लोग आए और धक्का मुक्की करने लगे। उसे लाइन में लगने की बात कही तो मारपीट करने लगा। इसके बाद वह अपने बेटे के साथ घर चला गया। इससे पहले ही रोशन अपने आधा दर्जन साथियों के साथ परिवादी के घर के बाहर पहुंच गया और तलवार लोहे के सरियों से उसके व बेटे लखन पर हमला कर दिया। इससे वे घायल हो गए। हमले के बाद आरोपित मौके से भाग गए। वहीं इस घटना से गाँव में दहशत फैल गई। उधर घायल पिता पुत्र को बाद में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ककरूलिया पंचायत समिति में खाद की घाटी, खाद लेवा गया सर, जिसमें लाइन लग रही 500 आदमी की, जिसमें रोशनलाल जाट आया वहाँ पे व्यवस्था खराब करने के लिए, दांत दूर करने लगा। तो मैंने बोला कि भाई लाइन माहौल खराब मत कर, पीछे लाइन में लग जा। इसी से मेरे साथ मारपीट करने लग गया। मारपीट करने के बाद में वहाँ से घर पर जाके वो 5-6 भाइयों की सलाह करके और मैं मोटरसाइकिल से उतरा। उनका और हमारा मकान आमने सामने है। जैसे ही मैंने मोटरसाइकिल पे उतरते ही हमारे पे धावा बोल दिया, जिसमें एक के पास कुल्हाड़ी थी, तलवार सर ये सब थी जो सर। हमारे 18 टांके तो माथे में है, पैर में गंभीर चोट है और मेरे लड़के के बहुत पूरी तरह से हमला किया सर हमारे। खाद की किल्लत कितने दिन से चल रही थी? खाद की तो एक महीने से चल रही थी सर, पर हमारे गाँव में रात का ही गाड़ी और सुबह वितरण करने के लिए आए तो उस समिति वाला ने बोला कि भाई तुम माहौल खराब मत करो, मैं एक एक कट्टा सबको दे दूंगा। उसने आके माहौल खराब कर दिया वहाँ पे, जिस पर वो उसने वहाँ पे मैंने उसको रोका तो वहाँ पे मेरे झापट रख दी उसको। क्या नाम आपका? मेरा नाम गोपाल लाल जाट है सर। बच्चे का नाम? बच्चे का लखन कुमार जाट। कहाँ के रहने वाले हो? ककरोलिया घाटी।